एवरीवन, चलिए बनाते हैं आज सौंधे मसाले से गोश्त। सौंधे मसाले मीन्स सारे मसाले को इसमें मिला देना है, मिक्स कर देना है और कच्चा ही इसे कुकर में डालना है। इस तरह से बना हुआ गोश्त बहुत ही मज़ेदार, जूसी और अच्छा होता है, टेंडर होता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले जब मुझे मीट बनाना होता है तो मैं प्याज काट कर तैयार करती हूँ, क्योंकि ये रुलाने वाला काम है और रोने रुलाने का काम सबसे पहले मैं करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम प्याज को बारीक स्लाइसेस में काट लिया है, मोटे टुकड़े भी काटने से चलेगा। और यहाँ पर सारे मसाले हैं जिसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और यहाँ पर पाउडर मसाले हैं 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून हम इसके फाइनल स्टेज में यानी भूनते वक्त डालेंगे, 3/4 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून हमने मिर्च पाउडर लिया है। साथ में यहाँ पर हमने कुछ लाल मिर्चें तोड़कर रखी हैं। आप चाहें तो सिर्फ खड़ी मिर्चों से बना लें या चाहे तो सिर्फ लाल मिर्चों के पाउडर से बना लें, आपकी चॉइस है। यहाँ पर मैंने 3/4 टी स्पून नमक लिया है, या नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें। यहाँ पर बस ये ध्यान रखें, जो बिगिनर्स हैं और जिन्हें मसालों को याद रखना ज़रा मुश्किल होता है, कि मैं मीट 1/2 kg बना रही हूँ, तो 1/2 kg मीट के लिए एक फॉर्मूला है कि सारे पाउडर मसाले आप 1/2 टी स्पून ले लें। तो उस हिसाब से यहाँ पर धनिया, हल्दी, मिर्च और गरम मसाला है, आप सभी कुछ 1/2 टी स्पून ले लें। इस तरह से आप इसे याद रख सकेंगे। यहाँ पर हमने खड़े मसाले लिए हैं जिनमें लौंग, इलायची, दालचीनी है, और साथ में हमने स्टार एनिस की 2 पंखुड़ियाँ ली हैं। ये भी आप अपने पसंद से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून हमने काली मिर्च लिया है और 1/2 टी स्पून ही हमने ज़ीरा भी लिया है, साबित ज़ीरा है ये। यहाँ पर हमने सरसों का तेल लिया है जो कि 100 ग्राम के लगभग है, आप इसे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एहतियात के तौर पर मैं थोड़ा ज़्यादा तेल इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि तेल को बीच में नहीं डाला जा सकता। हाँ, अगर ज़्यादा हो तो इसे हम बीच में निकाल सकते हैं, क्योंकि पकने के बाद तेल ऊपर फ्लोट करने लगता है। यहाँ पर मैंने 1/2 kg मटन लिया है। जब भी मैं मटन बनाने का इरादा करती हूँ, सबसे पहले उसे धोकर छान लेती हूँ, ताकि मीट पकाते वक्त मीट जो है वो थोड़ा सूखा रहे और उसमें अपना पानी ना रहे। तो अब यहाँ पर हमें सारे मसालों को मिलाना है, क्योंकि मैं इसे सांध कर बनाने वाली हूँ। इस मीट का नाम ही है सौंधे मसाले से मीट बनाना, और ये तरीका बहुत आसान होता है। तो अब यहाँ पर जो हमने सारे मसाले डाले थे वो इसमें डाल देना है। देखिए, जब आप इसे बनाएंगे तब आपको अंदाजा होगा कि ये तरीका कितना आसान है। अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देना है, साथ में ये खड़े मसाले और ये जीरा और काली मिर्च। अब यहाँ पर हमें सारे मसालों और प्याज के साथ मीट को खूब अच्छी तरह से सान लेना है। सानना मीन्स इसे मिक्स कर लेना है। ये इस तरह के से करना इस मीट का एक प्रोसेस है। आखिरकार मुझे हाथ लगाना ही पड़ा, क्योंकि जो चीज़ जिस तरीके से बनती है वैसा ही करने पर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। मीट पकाने का ये बहुत ही पुराना तरीका है। तो अब इस तरह से करने के बाद आप इसे इकट्ठा कर दें, और जो हमने तेल रखा था अब उसको इसमें डाल दें, और फिर से इसकी मसाज कर लें तेल के साथ। चलिए, तो ये इस तरह से रेडी हो चुका है। अब इस तरह से इसको आप छोड़ दें और इसके पकाने का प्रोसेस करें।
अब एक कुकर को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और उसमें एक टीस्पून घी डालें, साथ ही एक तेजपात डालें और इसे अच्छी तरह से कड़कड़ा जाने दें ताकि कुकर स्मोकी हो जाए। अब अच्छी तरह से स्मोक आ चुका है तो इसमें हम अपने गोश्त को डाल दें जिसे हमने फ्राउन कर रखा था। अच्छी तरह से चला लेंगे और इस गोश्त की ब्यूटी यही है कि इसमें हमें बाहर से पानी नहीं डालना है। प्याज इसमें अपना पानी रिलीज करेगा और उसी पानी से ये गल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मीट ने काफ़ी जूसेस रिलीज किया है और इन्हीं जूस से मीट को गलना है। हमारा कुकर मीट को लगभग 12 से 14 मिनट में गला देने वाला है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं और आपको डर है कि कहीं मीट जल ना जाए तो आप इसमें आधा कप पानी डाल सकते हैं। अब मैं कुकर को कर दूंगी बंद और पहली सीटी आने के बाद फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देना है और धीमी आंच पर 12 से 14 मिनट तक इसे गला लेना है। और आप देख सकते हैं पूरे 15 मिनट में मीट बिल्कुल तैयार हो चुका है। कितना लाजवाब बिना किसी मेहनत के। और इस समय आप इसे अच्छी तरह से भून लें। अब इसे डिश आउट कर लें। अब इस पर आप धनिया की पत्ती डाल दें और इसे मेहमानों के सामने पेश करें। बिल्कुल रेडी है। सिर्फ 15 मिनट में मीट बनकर तैयार हो चुका और ये मीट आप जब खाएंगे तभी आप इसका टेस्ट आजमाएंगे। इसे खाएं, खिलाएं और जानने वालों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।